Hello students of class 4th. I am going to teach you English. Chapter 2, The Lazy Soldier. Students, let's start the study. Once upon a time, there was a soldier named Benny. Benny held the rank of sergeant in the country of Jill's army. Sergeant Benny was a very hard worker and took care to ensure that everything was in its place. He saw that his rifle was properly taken care of, his uniform clean, and that all orders were followed at once. एक समय की बात है, एक सैनिक था जिसका नाम बेनी था। बेनी जिस देश के सेना में हवलदार के पद पर था। सर्जेंट बेनी बहुत मेहनती थे और इस बात का ध्यान रखते थे कि सब कुछ अपनी जगह पर ठीक है। उन्होंने देखा कि उनकी राइफल का ठीक ध्यान रखा गया है, उनकी वर्दी साफ है और उनके सभी आदेशों का पालन किया गया था। सर्जेंट बेनी would work long hard hours to ensure that everything got done and that everything was secured. The people of Jills slept easier knowing that Sergeant Venny was on the job. Sergeant Venny लंबे घंटों तक काम करेंगे ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ हो गया और सब कुछ सुरक्षित हो गया। Jills के लोग यह जानकर आसानी से सो गए कि Sergeant Venny काम पर थे। One day, the top official of the country of Jill's army noticed what an outstanding job Sergeant Venny was doing. He spoke with some of the other official and they decided to send Sergeant Venny to the Lazy Island. एक दिन जील सेना के देश के बड़े अधिकारी ने देखा कि एक उत्कृष्ट नौकरी सर्जेंट वेनी निभा रहे थे। उन्होंने कुछ अन्य अधिकारियों के साथ बात की और उन्होंने सर्जेंट वेनी को लेजी आइलैंड भेजने का फैसला किया। The soldiers of Lazy Island were not very hard worker. They hardly ever finished all their work. The island was not very secure. Rumor had it that this island would be the first place to be attacked. If and when a war broke out, Sergeant Benny would be a big help to make the island secure. Sergeant Benny gladly accepted his new orders. When he arrived on the Lazy Island, he could not believe his eyes. The soldiers' uniforms were very sloppy. Their rifles were covered with dirt and grime. Their shoes needed to be shined. Most of them were laying in the shade drinking lemonade. Sergeant Benny shouted, "What kind of soldiers are you?" Sergeant Benny ne apne naye aadeshon ko sahar swikar kar liya. जब लेजी द्वीप पर पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सैनिकों की वर्दी बहुत मैली थी, उनकी राइफलें गंदी थीं और कीचड़ से ढकी हुई थीं। उनके जूतों को चमकाने की जरूरत थी। उनमें से ज्यादातर नींबू पानी पीने वाले शेड में लेटे हुए थे। सर्जेंट बेनी चिल्लाया, "आप किस तरह के सैनिक हैं?" द अदर सोल्जर्स लाफ्ड एंड सेड टू बेनी, "हु डू यू थिंक यू आर? इफ यू गॉट ए प्रॉब्लम यू शुड गो एंड सी द टॉप ऑफिशियल ऑफ द आईलैंड." दूसरे सैनिक हंसे और बेनी से कहा, "आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? यदि आपको कोई समस्या हुई तो आपको द्वीप के बड़े अधिकारी को देखना चाहिए." सर्जेंट बेनी मार्च राइट ओवर टू ऑफिशियल्स हाउस एंड आस्क्ड टू स्पीक विद हिम। द टॉप ऑफिशियल नेम वॉज मिस्टर पैथरिक। सर्जेंट बेनी नोटिस दैट मिस्टर पैथरिक वॉज इन वर्स शेप देन द सोल्जर्स ऑफ लेजी आईलैंड। सर्जेंट बेनी ने अधिकारियों की आवाज़ पर मार्च किया और उनके साथ बात करने को कहा। बड़े अधिकारी का नाम मिस्टर पैथेटिक था। सर्जेंट पैथेटिक आलसी द्वीप के सैनिकों से खराब स्थिति में थे। सर्जेंट बेनी ने अधिकारियों के आवाज़ पर मार्च किया और उनके साथ बात करने को कहा। बड़े अधिकारी का नाम मिस्टर पैथेटिक था। सर्जेंट पैथेटिक आलसी द्वीप के सैनिकों से खराब स्थिति में थे। "यस, हाउ मे आई हेल्प यू मिस्टर पैथेटिक?" John Sergeant Benny began to explain how sloppy the soldiers were and how unsecure the island was. When Mr. Patrick interrupted him, "Please come back and talk to me after lunch." "हाँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ?" श्री पैथेटिक ने जवाई दी। सर्जेंट बेनी ने यह बताना शुरू किया कि सैनिक कितने सुस्त थे और द्वीप कितना असुरक्षित था। जब श्री पैथेटिक ने उन्हें मजबूर किया, "कृपा वापस आकर दोपहर के भोजन के बाद मुझसे बात करें।
आई नीड टू टेक ए नैप राइट नाउ, मुझे एक झपकी लेने की आवश्यकता है। सर्जन वैनी रिटर्न आफ्टर लंच एंड वॉज टोल्ड टू कम बैक आफ्टर डिनर। वैनी रिटर्न आफ्टर डिनर, ही वॉज टोल्ड टू कम बैक आफ्टर ब्रेकफास्ट। मिस्टर पैसेडिक वॉज ऑलवेज स्लीपिंग और ईटिंग और प्लेइंग एंड डिड नॉट हैव टाइम टू टॉक। सर्जन वैनी लंच के बाद लौटे और उन्होंने कहा कि रात को खाने के बाद आना। जब वो डिनर के बाद आए तो उन्होंने कहा कि ब्रेकफास्ट के बाद आना। पैथेटिक हमेशा सोते रहते, खाते रहते और खेलते रहते, उनके पास बात करने का समय नहीं था। दिस वेंट ऑन फॉर मैनी डेज एंड डेज स्ट्रेच्ड इनटू वीक्स। सर्जेंट वैनी ट्राइड टू टॉक टू द अदर सोल्जर्स बट दे वुड जस्ट लाफ एंड आस्क हु हैड मेड हिम द बॉस। ऐसा बहुत दिनों तक चला, फिर हफ्तों तक चला। सर्जेंट वैनी अन्य सैनिकों से बात करने की कोशिश करते लेकिन वो जब भी कुछ कहते तो सैनिक हंस देते और कहते तुम्हें बॉस किसने बनाया। आफ्टर ए मंथ सर्जेंट वैनी बिगेन टू थिंक दैट मे बी ही हैड ऑल्सो बीन वर्किंग जस्ट ए लिटिल बिट टू हार्ड। द आईलैंड वॉज ब्यूटिफुल एंड हैड मैनी नाइस प्लेसेस टू स्विम। ही डिसाइडेड टू टेक द आफ्टरनून ऑफ एंड गो स्विमिंग। एक महीने बाद सर्जेंट वैनी ने सोचना शुरू कर दिया कि शायद वह भी थोड़ा कठिन काम कर रहा था। द्वीप बहुत सुंदर था और तैरने के लिए अच्छे स्थान भी थे। दोपहर के बाद उन्होंने तैरने का फैसला किया। आफ्टर स्विमिंग ही वॉज वेरी हंग्री एंड एट ए बिग लंच। आफ्टर ईटिंग ही टुक ए लॉन्ग नैप। एट फर्स्ट सर्जेंट वैनी फेल्ट बैड अबाउट हाउ लेजी ही वॉज बींग बट सून स्टार्टेड टू लव इट। हिज राइफल वॉज केक्ड विद मड। ही could not find his boots, his shirt was torn, and he needed to comb his hair. तैरने के बाद वो बहुत भूखा था और बहुत खाना खाया। खाने के बाद उन्होंने एक लंबी झपकी ली। पहले तो सर्जेंट वैनी को यह बुरा लगा कि वह कितना आलसी था, लेकिन जल्द ही उसे प्यार करने लगा। उसकी राइफल कीचड़ से सनी थी, उसे अपने जूते नहीं मिल रहे थे, उसकी शर्ट भी फटी थी, उसे अपने बालों में कंघी करने की जरूरत थी। Then something happened. Benny was just getting ready to take a nap when the alarm sounded. The lazy island was under attack. Benny jumped to his feet. He began to run to the army base where he thought he left his rifle. However, he could not run very fast because he was fat and sleepy. The enemy quickly defeated the soldiers of Lazy Island. तभी कुछ हुआ। अलार्म बजने पर बैनी बस झपकी लेने को तैयार हो रहे थे। लेजी द्वीप पर हमला हो रहा था। बैनी अपने पैरों पर कूद गया। उन्होंने सेना के अड्डे पर भागना शुरू किया जहां उन्हें लगा कि वह अपनी राइफल छोड़ गए हैं। हालांकि वह बहुत तेज नहीं चल सका क्योंकि वह मोटा और नींद में था। शत्रु ने लेजी द्वीप के सैनिकों को जल्दी हरा दिया।